हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं और गेमिंग। ये है सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 58। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास। आज मैं पहली बार एक फिश फार्म बनाने वाला हूं जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि आगे जो मेरी वीडियो आने वाली है उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत है जो मुझे मिल सकता है फिश फार्म से, क्योंकि वहाँ पर फिश हमको फिश नहीं मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारे हमको लूट मिलेगी जो कि कुछ अलग हमारा जो फार्म होने वाला है। एक नॉर्मल फार्म भी होता है वो भी मैं बनाऊंगा, और एक जो बड़ा फार्म होता है वो भी बनाऊंगा। नॉर्मल फार्म तो आराम से 2 मिनट का काम हो बन जाता है, बट वहाँ से आपको सिर्फ फिश और एक्सपी मिलते हैं, मतलब आपको जितने भी टाइप की फिश होती है वो मिलती है माइनक्राफ्ट के अंदर। और अभी मैं आया होता यहाँ पर नेदर में अपनी माइन के अंदर, क्योंकि मेरे को क्वार्ट चाहिए था। अभी मेरे को कुछ कंपरेटर रिपीटर वगैरह बनाने, उसके लिए मुझे क्वार्ट चाहिए था। मैंने ऑलरेडी पहले ला चुका था यहाँ पर, बहुत सारी देर मैं लाया था, लेकिन बाद में आके देखा कि मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया था। मुझे ऐसे क्वार्ट्ज, नेदर क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज ब्लॉक नहीं चाहिए थे। ब्लॉक भी चाहिए क्योंकि मैं आज ब्लॉक ही यूज़ करने वाला हूँ बनाने के लिए, उसके बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं जितने भी है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने माइन किया था यहाँ पर बहुत सारा बचा हुआ था, उसी को मैं यूज़ करने आया था, उसी को लेने आया था। और यहाँ पे मेरे को एक और एंशिएंट डेब्री मिला था। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में कमेंट किया था कि मैंने बहुत सारी छोड़ दी। जब आप लोगों ने जो टाइमिंग डाली थी, जब मैंने देखा उसको, तो मेरे को भी पता चला कि यार हाँ, बहुत जगह मैंने छोड़ दिया था। बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा हो चुका, इनफ है मेरे पास। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कभी भी आके ले सकता हूँ बाद में, अभी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। बट अभी जब मैं क्वार्ट्ज तोड़ रहा था तब भी मेरे को मिला था। मैं एक बार बाहर जाके आ चुका था वापस, मेरे को लगा कि शायद मैं इतना सारा क्वार्ट्ज लेके आ चुका हूँ। बाहर जाके गया जब कंपरेटर रिपीटर बनाने लगा, तो पता चला कि यार मैंने तो सारे कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक में, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री में जगह नहीं थी, तो सारे मैंने कन्वर्ट कर दिया था। अभी दोबारा से यहाँ पर आना पड़ा। और आज के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी, कुछ चीज़ें मैंने ली है अभी। जैसे कुछ चीज़ें मैंने क्राफ्ट कर ली, कुछ और करनी है। जैसे क्वार्ट्ज जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो मैंने ले लिया। क्वार्ट्ज भी मेरे काम आएगा रिपीटर और कंपरेटर बनाने के लिए, क्योंकि रिपीटर मुझे, कंपरेटर चाहिए मुझे 6 के आसपास, हाँ, और रिपीटर मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो वो काम आने वाला है। बाकी रेडस्टोन अब तो अपने पास बहुत सारा है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, इसको मार के जाना पड़ेगा। ये कभी कभार मिलता इसको मारने का मौका, लेकिन ये बहुत चालाक है। अभी देखो ये चले जाएगा थोड़ी देर में, जिसको लगेगा कि यार ये बंदा भी तगड़ा है, तो ये अपने आप चले जाएगा। लोग फंस ही गया लास्ट में, इसको मैं मार के जाऊंगा। अरे मर नहीं रहा। पहले मेरे को इनसे बहुत डर लगता था, ये गया। पहले मेरे को इनसे, अबे ये कहाँ से, ये हमेशा यहाँ पर रहता है, पता नहीं कैसे जिंदा रहता है बिना पानी की वजह से। तो जब पहले मैं बार में आया था नेदर में, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को डर लगा था वो इसी को देख के लगा था, घास को देख के, क्योंकि यार इसमें निशाना भी नहीं लग रहा था, और लग रहा था कि यार ये मतलब बहुत खतरनाक है, क्योंकि फायर वायर कर रहा है कुछ। और अभी अपनी चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें हो चुकी है, तैयार कुछ हो चुकी है, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने घर के अंदर। रात भी हो चुकी है, तो यार क्राफ्ट भी कर लेते हैं इधर ही पे। एक सेकेंड, मेरे को कुछ चीज़ें पहले रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अगर मिल रहा है काम की चीज़ें। तो अनब्रेकिंग वगैरह मिल रहा है, लेकिन अनब्रेकिंग अगर लेता हूँ तो अनब्रेकिंग ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो यार इसको मेरे को लेके फ़ायदा नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती ले लिया है। एक काम करते हैं, क्योंकि अगर पहले ही सारी चीज़ें ले लूँगा ना, तो उसको डिसइंचेंट, मतलब देखो, अगर आप रॉ इसी में फिशिंग रॉड में आप अगर इंचेंटमेंट लेते हो, तो आपको चांसेस है कि उससे रिलेटेड मिले। अगर आप बुक में करे हो तो बुक में तो कुछ भी मिल जाता है रैंडम। तो मैं अभी इसको डिसइंचेंट कर रहा हूँ, मेरे को अनब्रेकिंग तो चाहिए, बट उससे पहले बाकी सारे, लॉक ऑफ द सी भी होता है शायद, हाँ वो भी चाहिए। तो अभी मैं जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए क्राफ्ट कर लेता हूँ। मेरे को रिपीटर और कंपरेटर चाहिए थे, उसके लिए मेरे पास रेड स्टोन टॉर्चेज वगैरह हैं, बट हाँ स्मूथ स्टोन नहीं है, तो स्मूथ स्टोन भी मेरे को लेना है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को और भी चाहिए, अभी मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ पहले एक बार, उसके बाद से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ कहीं पे उसको बनाऊँ इस जगह पे, या फिर कहीं दूर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बनाना चाहिए मुझे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पर बना लूँ, क्योंकि खाली जगह यहाँ पर बेस्ट रहेगा उसको बनाना। फार्म सारे में बाहर ही बनाता हूँ, तो उसको बाहर ही बनाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओके, तो मैंने चीज़ें यहाँ पर बना ली, और क्रीपर ये कहाँ से आ गया अचानक। मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली, मतलब जितना चाहिए मेरे को उससे ज़्यादा ही मैंने बना लिया, और कम पड़ेगा तो बाद में देखते हैं। और अभी मेरे पास जो चीज़ें मैंने थोड़ी सी फालतू की, मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से। शायद मुझे चेस्ट कुछ और चाहिए होंगी, तो चेस्ट एक बार चेस्ट भी लेके चलता हूँ। थोड़ी सी चेस्ट और बना लेते हैं, शायद 2 और बना लेता हूँ एक्स्ट्रा। और उसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए था, वो है फेंस, तो एक फेंस भी बनाता हूँ। पहले सिंपल वाला बना के आप लोग को दिखाता हूँ कि सिंपल वाला कैसा होता है फार्म, और सिंपल वाला बहुत सिंपल ही होता है। गजब। तो उसको हम लोग पहले चलते हैं, सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, जो भी और मेरे को सारी चीज़ें चाहिए होंगी मैं बाद में लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरी पूरी जगह भर चुकी है। एक बार इसको खाली कर लेते हैं इन्वेंट्री में, ये इसकी नीड नहीं है उतनी, इसको रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक स्टिकी पिस्टन भी चाहिए, उसके अलावा मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ले ली, मतलब इन्वेंट्री मेरी पूरी भर चुकी है,
तो स्टिकी पिस्टन पहले बनाते हैं। यहाँ पे शायद मेरे पास स्लाइम बॉल वगैरह कहीं रखा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ पे स्टिकी पिस्टन तो मेरे पास यही रखा हुआ है। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि अभी के लिए तो शायद सारी चीजें मैंने कर ली है, उसके अलावा जो चीजें चाहिए होंगी बाद में उसको देखते हैं। इनको भी क्वार्ट्ज के ब्लॉक बना लेंगे तो जो थोड़ी सी जगह और खाली हो जाएगी, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जब चाहिए होती है कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाता हूँ। अभी भी कितने चक्कर मेरे लग गए, तो अभी एक बार देखते हैं कि यार स्लाइम बॉल कहाँ पर रखा हुआ है। शायद मैंने कुछ जो कीमती चीजें हैं ना वो यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, इन चेस्ट में से कहीं पे एक में होगा शायद, यही है ना, एक ही स्लाइम बॉल चाहिए मुझे। ओके, तो एक स्टिकी पिस्टन हम लोग बना लेते हैं अपना, और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारी चीज़ें रख ली है मैंने, ये इसका काम नहीं है, इनको भी हटा देते हैं। फैंस मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए था, और इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें हो गई है, अभी मेरे को हॉपर बनाने, तो उसके लिए मैंने चेस्ट ऑलरेडी बना ली, वो भी मेरे को आधे रास्ते में जाके याद आया कि यार मेरे को हॉपर बनाने। तो चलते हैं अपने आयरन फार्म में, वहाँ से आयरन लेते हैं, हॉपर बनाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल रख लिए, और मेरे कुछ पांडा बाहर निकल गए, पता नहीं कैसे, मेरे को शायद थोड़ा सा दीवार या फिर हाँ ये लोग बाहर निकल गए। जब बाहर, ये हमेशा एक निकल जाता है, पता नहीं कैसे बाहर निकल जाता है, जब भी बाहर निकलता है फिर ये भूखे रहता है काफ़ी टाइम तक। तो अभी मैंने सारी चीज़ें तो कर लिए, अब मेरे को एक काम करना है, यहाँ से पहले कुछ आयरन लेना है, उसके बाद से अपनी क्राफ्टिंग टेबल कहीं पर क्राफ्ट प्लेस कर देने, उसके बाद से मुझे हॉपर बनाने हैं, ठीक है। तो हॉपर बना ले मेरे को, कितने बना सकता हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने 6 बना लिए इतना, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंपल वाला फार्म दिखाता हूँ कि सिंपल वाला फार्म हमारा कैसा होने वाला है। शायद मेरे को ट्रैप डोर भी बनाने थे आयरन के कुछ। तो जो हमारा सिंपल वाला फार्म होता है उसके लिए हमको कुछ भी नीचे, बस हमको यहाँ पे एक गड्ढा करना है और उसमें रख देनी है एक चेस्ट ऐसे करके, और उसके बाद से यहाँ पे एक और गड्ढा मेरे को करना होगा, यहाँ पे भी शायद करना होगा। तो यहाँ पे मुझे लगाना है हॉपर इसकी तरफ को मुंह करके, और यहाँ पे एक सेकंड इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ मुझे लगाना है एक नोट ब्लॉक। तो नोट ब्लॉक मैं 2 लेके आया था, 2 मैंने लिए बनाए हुए हैं, तो 2 एक यहाँ पर चाहिए होगा, और उसके ऊपर मुझे एक और कुछ टेम्परेरी, मुझे लगता है कि शायद टेम्परेरी ब्लॉक रख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेस क्या लगाना है, ट्रैप डोर लगाना है आयरन वाला, तो ये मुझे लगाना है। तो अरे कहाँ गया, हॉपर में गए, इधर गया ना, ठीक है, अच्छा मुझे लगा गायब हो गया। तो एक बार पहले सो जाते हैं क्योंकि रात हो गई है, मॉर्निंग में उठ के ये वाला बनाते हैं फार्म, और इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको काम करके, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये होता है, लेकिन इसमें यही है कि यार क्योंकि माइनक्राफ्ट में एक कंडीशन होती है कि अगर आपको आपका जो फार्म है आपको चाहिए कि उसमें आपको बाकी लूट भी मिले, तो उसका एक एरिया होता है कि मिनिमम 5x5 का एरिया होना चाहिए, बड़े छोटा है तो यहाँ पर हमको वो सब चीज़ें मिलेंगी नहीं, बट फिर भी ये काम करेगा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये लगा लेते हैं यहाँ पे हॉपर के ऊपर, मुझे ये लगा देनी, इसके ऊपर रखना मुझे प्रेशर प्लेट, ये हो गया, और यहाँ पर मुझे लगा देना है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर ऐसा लगाना है कि नीचे की तरफ को बंद हो, तो ये हमारा ट्रैप डोर लग चुका है, शायद ये काम करे, पता नहीं कि सही लगाया मैंने नहीं लगाया। तो अभी मुझे यहाँ पर डालना है पानी, तो फटाफट से पानी लेके आ जाता हूँ, ये हमारा सिंपल फार्म बन जाएगा उसके। अच्छा पानी इधर ही है, चलो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर मुझे अभी डालना है पानी यहाँ पे, और ये पानी इधर चले जाएगा, बस इतना सा फार्म है। उसके बाद से फिश रॉड मेरे पास है, जबकि मेरे पास सिंपल वाली रॉड है, बट ये भी अच्छे से काम करेगा। तो मुझे ये डालना है यहाँ पे, और उसके बाद से मुझे जैसे इसमें क्लिक करते रहना, आपको आवाज़ आ रही होगी, बट ये बहुत अच्छे से काम करेगा, जो भी चीज़ें होंगी हमको जो भी चीज़ें मिलेंगी, और जैसे ही कुछ मेरे को मिलेगा ट्रैपडोर बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल वाला फॉर्म है, बट काम करना चाहिए। अभी मेरे पास क्योंकि इंचेंटमेंट इसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा फिशिंग रॉड है, तो शायद उतने अच्छे तरीके से काम ना करे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस वही है। ओके, तो कुछ मिला, देखो ट्रैपडोर बंद हुआ, तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करने वाला इसको। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्म है, इससे हमको एक्सपी भी मिलेगी, आप लोग देखना मेरी एक्सपी भी बढ़ेगी जैसे ट्रैपडोर बंद होगा। तो मैंने सिर्फ थोड़ी देर ही इसको ट्राई किया, और मेरे पास 2 टाइप की फिश आ चुकी, मेरी एक्सपी भी बढ़ चुकी। तो जैसे जैसे हम लोग इसको करेंगे, इसको भी हम लोग ऑटोमेटिक बना सकते हैं, वो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, मतलब जब वो वाला फॉर्म बन जाएगा तब मैं ये भी इसको भी ट्राई करूंगा वो सब चीज़ें। तो ये भी फुली ऑटोमेटिक AFK की तरह ही काम करता है, उसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं। AFK के मेनली मीनिंग होता है कि आप कीबोर्ड पे कुछ भी काम नहीं कर रहे, माउस आपने छोड़ा हुआ है, आपके हाथ खाली है, लेकिन आपका फार्म काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं उसमें। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा लास्ट में। अभी पहले यहाँ पर जगह ये टॉर्चेज वगैरह हटा लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा स्लाइम वाला फार्म भी है ना यहाँ पे, तो ये वाला हमारा स्लाइम फार्म है। तो मुझे लगता है कि यार इधर कहीं पर बनाऊँ मैं तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, और जब तक मैं यहाँ काम करूँगा वो मेरा गन पाउडर वाला फार्म भी शायद काम करता रहेगा, कर रहा होगा। तो सही है, अभी हमको क्या करना है कि यार यहाँ पे एक 5x5 का एरिया मेरे को क्लीन करना है। तो 5x5 का एरिया मैंने बना दिया, अब जाके मुझे फिल करना है, तो वही मैं अभी कर रहा हूँ, इसको फिल कर रहा हूँ फटाफट से, और
देखो कंडीशन ये होती है कि यार आपको ना जो फार्म है वो तभी काम करेगा जब आपका जो पानी है वो एकदम स्टील है, मतलब वो मूविंग वाटर होना नहीं चाहिए। तो वो मेरे को करना है, तो मतलब हर जो ब्लॉक होगा उसको मेरे को सोर्स ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से काम करेगा। और अभी मेरे को भरना है तो इसको पहले पूरा भर लेते हैं। तो मैंने इसको बना दिया, पूरा फिल कर दिया। अभी मेरे को एक काम करना है कि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर से, क्योंकि इतना पूरा तो मेरे को रिप्लेस नहीं करना है, तो ऊपर से मैं क्वार्ट्ज ब्लॉक लगाने वाला हूँ। मैंने शायद ये भी लेके आया था, यहाँ क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास ऑलरेडी है, मैं स्टोन कटर लेके आया था। तो कुछ अच्छा इसको देखते हैं कि क्या बना सकता हूँ मैं स्टोन कटर से, इसको जो हमारे क्वार्ट्ज हैं कुछ अच्छे ब्लॉक्स मैं सोच रहा हूँ कि बना दूँ। ब्रिक्स वाले मैं सोच रहा हूँ कि ये लगा दूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा है। और इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे ब्रिक्स में ही, और इतने काफ़ी होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो इतने हो जाएंगे। और बाकी बचे हुए भी हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी बना लेते हैं ब्लॉक्स में, और उसको भी मैं कन्वर्ट कर ही लेता हूँ। तो ये सारे हमारे हो चुके हैं, और उसके बाद से अभी मुझे ब्लॉक लगाने, तो सोच रहा हूँ कि यार साइड में एक एरिया इससे बना दूँ, और उसके बाद से उसको भी मेरे को फिल करना होगा। तो उससे होगा कि यार ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को पूरा नीचे बनाने की जरूरत नहीं, क्वार्ट्ज लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से इतना सा ही होगा लेकिन अच्छा दिखेगा। तो इसको पूरा भर लेते हैं, उसके बाद से मुझे ये भी भरना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे लगानी है चेस्ट, तो यहाँ पर दो चेस्ट लगा लेता हूँ। मुझे लगता है कि शायद एक काफ़ी रहेगी, या फिर दो लगा लेते हैं। ओके, तो दो चेस्ट लगा ली। उसके बाद से मुझे लगाना है एक हॉपर यहाँ पे, इस तरीके से इधर को मुंह करके, और एक उसके ऊपर लगाना है। तो ये दोनों काम हो गए, और अब जाके मुझे ये पूरा भरना है, जितना बचा हुआ पार्ट था वो भर लेते हैं, उसके बाद से बाकी काम निपटाते हैं अपना। तो पहले इसको भर लेते हैं ये वाला काम। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा सा पानी बाहर निकलने लग गया था तो उसको फिक्स किया। मतलब चेस्ट आपको बाद में लगानी, मैंने पहले चेस्ट लगा ली थी, उसके बाद मैंने पानी भरा था, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बट ये इतना हमारा हो चुका है, अब मेरे को कुछ और जिसमें चीज़ें करनी, तो उसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स चाहिए, और उसके अलावा वाटर बकेट वगैरह हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इतना अभी तक हो चुका है, हम लोग चाहें तो नीचे भी इसके हॉपर वगैरह लगा सकते हैं। तो जो पानी में चीज़ें गिरेंगी वो यहाँ हॉपर के थ्रू इसमें आ जाएंगी। बट अभी मैं और करने वाला हूँ, अभी मेरे को कुछ ग्लासेस भी चाहिए थे, शायद मैं ग्लास लेके आऊँ। एक काम करते हैं, अगर मेरे पास कुछ डाई वगैरह है तो नॉर्मल ग्लास ना लगा के डाई वगैरह लगा के कुछ अगर अच्छा इसको बना सकते तो शायद ये बेटर लगेगा। बट मुझे लगता है कि कुछ है मेरे पास डाई के लिए, कोई कलर है, तो एक बार देखते हैं कि शायद इससे हम लोग हाँ, तो मैं इसको डाई करके कुछ और कलर बनाने वाला हूँ बाद में। मैं एक सेकंड ले ही आता हूँ पहले। यहाँ मेरे पास कुछ फूल हैं, जो फ्लावर हमको मिले हुए हैं, इनसे मैं डाई करके इनको ब्लू कलर के बना लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाला ग्लास ना दिखता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ ब्लू कलर के, या फिर जो भी मेरे को मिलता है, मैं अभी ब्लू मिल रहा है तो ब्लू यूज़ करने वाला हूँ। तो इतना शायद हो जाएगा इससे, कुछ ही मेरे को चाहिए ग्लास, तो शायद हो जाने चाहिए। तो अभी जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा बन चुका है, अब मेरे को और दूसरा वाला पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हमको मतलब इसमें रिपीटर वगैरह का बहुत सारा काम है, तो वो भी अभी करना है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसी में लगने वाला है, बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो एक काम करते, पहले इनको डाई कर लेता हूँ मैं, और डाई पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लू को। ओके, तो ये मेरे ग्लास बन चुके हैं, और ये दिखने में प्यारा लगेगा। मतलब वैसे नॉर्मल सा ग्लास था, बट ये अब दिखने में अच्छा लगेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे बनाना है एरिया, ताकि ये जो एरिया है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है, और यहाँ पे भी टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो एरिया होगा जहाँ पर मैं रहूँगा, ये वो एरिया है, इसलिए मेरे को ये वाला पार्ट बनाना है यहाँ पे। ओके, तो मुझे ये करना था, मैंने आगे गलत लगा दिया शायद, ये वाला वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। ये वाला भी मेरे को हटाना ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगाना था, मुझे आगे की तरफ को लगाना, ताकि आगे की तरफ को ये वाला जो पार्ट है वो ओपन रहे। अभी इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ से। तो ये एक हमारा सिंपल सा AFK एरिया हो गया, जहाँ पर रह के हम लोग फिशिंग करेंगे। इसको बाद में थोड़ा सा और सिक्योर बनाऊंगा, शायद मैं फेंस वगैरह लगाऊं, क्योंकि रात का अगर टाइम होगा हम लोग AFK कर रहे होंगे तो यार कोई मार भी सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो अभी मुझे क्या करना है कि यार यहाँ पे ठीक है, उसके ऊपर मेरे को एक ब्लॉक लगाना है, तो यही मैं क्वार्ट्ज वाले यूज़ करने वाला हूँ। तो यही सब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तीन मैंने दो ब्लॉक यहाँ पर लगाए, और ये सब टेम्प्रेरी ब्लॉक है, तो इनको हटाना आसान रहेगा। डर्ट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे को तोड़ने भी आसानी हो, और कोई इसके चक्कर में कुछ, क्योंकि मेरी पिकैक्स इतनी खतरनाक है ना, मतलब कुछ और भी टूट जाता है। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ पर मेरे को ट्रिप वायर बनानी है, वो भी मेरे को बनानी पड़ेगी, वो भूल गया। मतलब चीज़ें ना बाद में याद आ रही कि हाँ ये भी सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को चाहिए, तो इस चक्कर में भूल जा रहा हूँ। अभी मेरे को सेम ऐसी इस तरफ भी करना है, तो यहाँ पर भी पहले मेरे को टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाने हैं कुछ तीन, और उसके बाद से मुझे रखना है यहाँ पे एक दो तीन, और लगा देना ये वाला ब्लॉक, उसके बाद से सारे तोड़ देने। अब मेरे को ट्रिप वायर हुक लगाना है इसमें, क्योंकि वो मेरे को बनाना भी पड़ेगा, अभी तो मेरे पास है नहीं, तो उसको मैं बाद में करूँगा, पहले जो बाकी का एरिया वो कर लेते हैं। इतना काम हो जाएगा, उसके बाद से मुझे यहाँ से एक रेड स्टोन का लेके आना है यहाँ पे, एक आएगा हमारा यहाँ से, उसको कनेक्ट भी मेरे को करना है, तो इसको पहले कनेक्ट भी कर लेते हैं साथ साथ में।
मुझे ना हुक बनाना ही पड़ेगा वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके तो ये हमारा हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है, एक यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर मेरे को लगाना है नोट ब्लॉक, और यहाँ पर काम आएंगे हमारे ये वाली चीज़ें जो ऊपर जाने के लिए हमेशा काम आती है। ओके तो यहाँ पर लगा देना मेरे को अपना नोट ब्लॉक, तो ये इसका मेन काम होने वाला है। उसके अलावा मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पर लगानी है, जैसे टेम्परेरी ब्लॉक में कुछ लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पर मुझे एक और ओके तो यहाँ पर मुझे जैसे सेम मैंने वहाँ पे किया था ना कि ट्रैप डोर लगाया था आयरन वाला, यहाँ पर भी लगाना है, ये नीचे को बंद होना चाहिए। और उसके अलावा मेरे को ये सब चीज़ें हटा देते हैं, तो यहाँ वाला काम इतना हो चुका है। इसके ऊपर एक और मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ ब्लॉक लगाएंगे तो आवाज़ करता है, ठीक है। अभी मैं इसको लगा दूंगा, अभी आवाज़ नहीं करेगा, तो क्योंकि ये बार बार आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, बेकार लगेगा, इसलिए ये सब काम इतना काम हो चुका है। उसके अलावा इसको तोड़ देते हैं अभी के लिए। ओके तो यार अभी मैं ट्रिप वायर बना के हुक भी लेके जा रहा हूँ, मतलब जो उसका थ्रेड होता है हमारा, जो स्पाइडर वाला होता है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि यार जो पहले काम है उसको कर लूँ, मतलब ऐसा ना हो कि यार मैं पूरा फार्म बना के सोच रहा हूँ कि फार्म क्यों नहीं कर रहा, काम कर रहा, और पता चला कि यार ये चीज़ मैं भूल गया हूँ। तो इसलिए पहले से चीज़ें जो भी बनानी है मुझे बना के रख रहा हूँ, क्योंकि बाद बाद में फिर याद नहीं आ रहा, तो इसको पहले लगाना है मुझे एक, अरे नहीं नहीं गलत लगा दिया, गया पानी में। ओके एक मुझे उस साइड पे लगाना है जैसे यहाँ से लगाया, तो एक इस साइड पे मेरे को लगाना है इधर की तरफ को। ओके और इसमें लगा देना है मेरे को थ्रेड से, इसको कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा इतना काम हो जाएगा। ओके ठीक है ये हमारा काम हो चुका है, अभी हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद से मॉर्निंग में उठ के बहुत सारा जो रेडस्टोन वाला काम है वो मुझे करना है, थोड़ा सा और इसको बिल्ड भी करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो अगर कुछ चीज़ें रह गई होंगी, मुझे लगता है कि शायद बाकी सारी चीज़ें तो मैं बना के लेके आ गया हूँ, जो चीज़ें रह गई होंगी उनको बाद में बना के देखते हैं। और इस साइड को मैंने इसका मुंह कर दिया, तो हमारा इधर की तरफ को इसका मुंह हो जाएगा, बट कोई नहीं जैसा भी है दिखने का, इसको देखते हैं कि बाद में कैसे करते हैं। इसका मुंह वैसे सही है, ऐसे भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मुझे इसको यहाँ तक इसको बढ़ाना है इधर तक, और यहाँ पे इसको लेके आते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है तो इतना मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ताकि इससे मैं रेडस्टोन सिग्नल लेके जाऊंगा, और इसकी मुझे नीड नहीं, इसको हटा देते हैं। अभी मैं सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो उस पर ध्यान दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें बाद में करते हैं, मतलब बनाने का कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यानी इतना कॉर्नर पे क्यों बना दिया, बट सही है, थोड़ा सा दूर भी है उनसे, और थोड़ा सा एकदम चिपक के नहीं बनेगा, वैसे भी ठीक है। तो अभी मुझे 9x9 का एक एरिया बनाना है, और मुझे इसकी भी शायद नीड नहीं थी अभी के लिए, शायद ये पड़े हाँ, इसको अभी बाद में देखते हैं। तो पहले इसको बना लेते हैं, 9x2 का बनाना है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा मैंने कॉर्नर में कुछ ज़्यादा ही बना दिया लग रहा है, मुझे पहले स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं था कि कहाँ, और मैं स्ट्रक्चर बनाते हुए ध्यान भी नहीं दिया कि यार मुझे इस तरफ को फेस करना चाहिए, बट कोई इश्यू तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई है तो नहीं, बट हाँ मैं उस एरिया को फिल कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे को फिल करना ही है बाद में। तो अभी हम लोग इसके इतना हो चुका है, और अब जाके मुझे इसमें रेडस्टोन की वायरिंग वगैरह करनी, तो पहले मुझे यहाँ से आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से पहले जाते हैं, और ये सब मेरे को करना है, यहाँ से पानी में गिरना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा एक ब्लॉक, मैं सब जगह यही वाले ब्लॉक रख रहा हूँ, बट ठीक है, और रेडस्टोन मेरे को लेके आना है यहाँ से, तो ये हमको एक यहाँ से कनेक्ट करना है, और इधर से इसको लेते हुए आना है वापस यहाँ पर, यहाँ से कनेक्ट होते हुए। ओके तो यहाँ से आएगा यहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ पर मेरे को लगाना है रिपीटर्स बहुत सारे जो कि मेरे पास हैं अभी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही मुझे इधर पर लगाने, और उनके बाद उनको पूरा मतलब फुल डिले में रखना है, मतलब 3 टिक पर रखना है मेरे को, ताकि ये हो सके। ठीक है ये हो चुका है, और उसके बाद से यहाँ पे एक और रेडस्टोन लगेगा, उसको हम लोग लगाते हैं बाद में, पहले इसको कर लेते हैं पूरा फुल टिक। ओके तो मेरा रेडस्टोन वाला जो रिपीटर से मैंने लगा दिया, और अरे लो मेरी पिकैक्स इतनी ज़्यादा फास्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मैं एक ब्लॉक को तोड़ रहा, मतलब मेरे को तोड़ना था यहाँ पर एक रिपीटर तोड़ना था, लेकिन पूरा का पूरा नीचे के 2-3 ब्लॉक टूट गए, तो अभी मैंने चेंज कर दिया, मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 5 है इसमें, बहुत खतरनाक ही है। तो अभी मेरे को फुल डिले में सब मैं रख लिया मैंने, और ये सारी चीज़ें हो गई है। अब मेरे को यहाँ से ये वायरिंग लेके जानी है उधर पे, तो वो मेरे को काम करना है, तो उसके लिए पहले मेरे को लगाना है कुछ टेम्परेरी ब्लॉक रखने हैं, साथ में खाना वाना भी रख लेते हैं ऐसे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हो चुका है, और यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लाना है, और ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे इसको लगा देना है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे शायद ऐसा लगेगा ना, हाँ ओके तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मेरे को ये वायरिंग लेके आनी है वापस नीचे, तो नीचे तो नहीं आएगी, बट मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर पे,
और ठीक है, शायद मेरे को नीचे से लेके आना चाहिए था ऐसे करके। ओके तो इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, और इसका काम नहीं होता जो भी फालतू की चीज़ें। अब ये भी मतलब मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये वायरिंग लेके आने यहाँ से, और इधर से घुमा के इसको लेके जाऊँगा मैं। वैसे इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं थी ना, यहीं से घुमा सकता हूँ इसको। ठीक है, इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहीं से घुमा के लेके आते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है, इतना इसको तोड़ देते हैं। ओके तो ये पूरा हो चुका है यहाँ से वायरिंग का काम, और अब जाके मुझे उधर करना है काम, तो उधर मेरे को जाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, चीजें थोड़ी सी ना ऐसी हो जाती है कई बार। ओके तो यहाँ आ गया मैं, मुझे ये वाला ब्लॉक तोड़ना है, और उसके बाद से रखना है उसमें स्टिकी पिस्टन, ठीक है, और उसके ऊपर रखना है एक ब्लॉक। तो ध्यान रखना है मेरे को, इसको पहले तोड़ना है। ये देखो मतलब ये भी इतना ज्यादा काम कर रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज तोड़ रहा हूँ, दो दो चीजें टूट जा रही, और यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक रखना है इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लगाना है ये, और यहाँ पर लगाना है मुझे एक रिपीटर यहाँ पे, और उसको रख देना है फुल डिले में। उसके बाद से ये मेरे को नहीं, रिपीटर नहीं लगाना है यार। ओके तो पता नहीं ऐसा लग रहा है क्वाड। अच्छा, अब मेरे को ये जो ऊपर मैंने रेडस्टोन लगाया था, इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मुझे पहले चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और वहां से चढ़ते हुए नीचे आके मेरे को एक स्टेयर को कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना लेता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसे ऐसे करके चढ़ना है ऊपर। और हाँ, इतना तो हो चुका है, तो एक ये आ जाएगा। ओके तो अब मेरे को लेके आना है करंट यहाँ से, उन दोनों को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से मैंने एक स्टेयर केस टाइप का बना दिया, और ऐसे घुमाते हुए लेके जाके यहाँ इसको कनेक्ट कर दें इन दोनों को। तो ये वाला काम मेरा यहाँ का हो गया, और ये सब कुछ हो चुका है यहाँ से, ये ऊपर नीचे जाएगा, तो इतना सारा कुछ काम हो गया। एक बार देख लेता हूँ कि यार अपने जो रिपीटर हैं सही से ओपन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो सारे ठीक है। और ये वाला एक टिक ओपन होना चाहिए, तो ये भी हो चुका है। यहाँ वाला मेरा काम पूरा हो चुका है, अब जाके मेरे को जाना है उस साइड में, दूसरी साइड में, और वहाँ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ वाला काम हो चुका है, अब जाना है यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम लगना है, यहाँ पे कंपेरेटर लगने हैं, तो पहले यहाँ पे मेरे को जाना है, और ये एरिया मेरे को आगे तक बढ़ा के लेके आना है। तो यार अभी तक बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत ऑलमोस्ट हम लोग जो हमारा क्या बोलना है। ओके तो यार यहाँ पे भी मैंने सेम उसकी जगह एक एरिया बना दिया, और अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को कंपेरेटर्स लगा लें, लेकिन उससे पहले मेरे को एक और काम करना है। 1 सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा? अरे इसमें हमेशा कई बार मैं गिर जाता हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर लगाना है एक ब्लॉक, और उसमें मेरे को लगा देना है हमारा जो लीवर था। इससे क्या होगा कि यार हम लोग अपना फार्म को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, तो ये मेरे को लगाना है इस साइड में। ओके तो ये लग चुका है, अब जाके यहाँ पर मेरे को लगाना है कंपरेटर, तो कंपरेटर मैं निकाल लेता हूँ। रिपीटर भी लगा, रिपीटर की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले कंपरेटर लगाना है 1 2 3, और उसके बाद से लगाना है 1 2 3, ठीक है ये हो चुका है। उसके बाद से मेरे को करना है रेडस्टोन, शायद मेरा थोड़ा कम पड़ सकता है, बट ये हो चुका है। और मेरे को नीचे भी काम करना है, बट अभी मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, मेरे को नीचे आके करना पड़ेगा, और यहाँ से इनको कनेक्ट, इन दोनों को कर देना है कनेक्ट। तो ये सब हो चुका है, उसके अलावा यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी तोड़ देते हैं, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है। यहाँ पर मेरे को एक रिपीटर लगाना है, जो कि मेरे को एक टिक में रखना है, ठीक है, रिपीटर ही लगाया ना मैंने, ठीक है। तो ये सब काम हो चुका है, अब जाके मेरे को जाना है नीचे, और ये वाला काम तोड़ देते हैं इसको अभी, शायद इसका काम हो चुका है। ओके तो अब जाके मुझे यहाँ पर लगाना है एक टेम्परेरी ब्लॉक, और उसके बाद से कुछ और ब्लॉक लगाना है। 1 सेकेंड, इसको हटा दिया, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेयर टाइप की बनानी है, ताकि नीचे मैं एक और रेड स्टोन वाली जो लाइन है वो लेके आ सकूँ यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना कुछ हो चुका है, अभी मेरे को फिर से ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है तो अब जाके मुझे यहाँ से पहले ये वाली रेडस्टोन लेके आना है नीचे, और उसके बाद से लगा देना है एक रिपीटर ऐसे, और उसके बाद से ये लेके लाइन जानी यहाँ पे, और यहाँ पर लगेगा हमारा एक रेडस्टोन टॉर्च। तो ऑलमोस्ट मेरा, मेरे को लगता है कि जो हमारा फार्म है बन चुका है ये वाला, और उसके बाद से कुछ और चीज़ें करनी है यहाँ पे, जैसे कि ये मेरे को लगाना है एक स्टेयर यहाँ पर बनानी ऐसे में और ऐसे में, ठीक है। ओके तो इतना कुछ हो चुका है, यहाँ पे मेरे को लगाना है एक और, मेरे को लगाना है स्टेयर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कुछ हो चुका है, इसको मेरे को तोड़ देते हैं। ओके तो यहाँ पे मुझे लगाने है स्लाइम, मैं कहाँ पे रख के आ गया? अच्छा नहीं, एक और मेरे को स्टिकी पिस्टन चाहिए यार। देखो मतलब चीज़ें ना ऐसे बाद में याद आ रही, मुझे लगा कि यार एक से काम बन जाएगा, ये चीज़ मैं भूल ही गया था। यहाँ पे मेरे को एक स्टिकी पिस्टन लगाना है, फिलहाल रेडस्टोन भी मेरा खत्म हो गया, तो रेडस्टोन भी मेरे को लगाना है, वायर लेके जानी है, स्टिकी पिस्टन लगाना है, उसके बाद से ऑब्जर्वर तो मेरे पास है, और उसके अलावा 1 सेकंड, ये क्या चीज़ है? अच्छा ठीक है, उसके अलावा सारा काम हो चुका है, बस
हाँ उसके अलावा सारा काम हमारा हो चुका है। थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बच गई होंगी, एक बार ध्यान से देख लूंगा, उनको भी कर लूंगा। तो फटाफट से रेड स्टोन वगैरह ले आता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद से हमारा फॉर्म बनके एकदम रेडी है। फिर टेस्ट करना होगा इसको, देखते हैं कि कैसा बनता है। तो चलिए एक बार काम कर लेते हैं। ओके, तो इतना काम हो चुका था, अब मैं स्टिक पिस्टन लगा के आ गया हूँ। और मेरे को अभी पता लगा यार एक मैंने मिस्टेक करी थी, ये मेरे को करना है और यहाँ पे मेरे को ये सब काम करना है, तो इसको कर लेते हैं फटाफट से। मतलब क्योंकि यहाँ पे ना मैं करंट दे रहा था और काम नहीं कर रहा था, पता चला कि यार यहाँ पे तो रेडस्टोन टॉर्च है, तो मेरे को यहाँ से वो लेके जाना है। तो स्टेयर बनानी मेरे को ऐसी ताकि रेडस्टोन करंट लेके जा लूँ, और उसको ऊपर मेरे को लगाना है अपना जो हमारा पिस्टन है वो, और उसके बाद से हमारा काम हो गया। तो इतना मुझे करना था और उसके बाद से लगा देना यहाँ पर रेडस्टोन पूरा इतने में, और यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये ऑलरेडी चार्ज रहेगा। उसके बाद से मुझे क्या करना है कि यार यहाँ पर लेके जाना है इसको, और यहाँ पर लगा देना एक पिस्टन ऐसे, और उसके बाद से ये अभी काम करेगा। तो मुझे इसके ऊपर लगाना है ऑब्जर्वर ताकि उसका फेस मेरे तरफ को रहे यहाँ पे। ठीक है, ये इतना काम मेरा हो चुका है। और अच्छा ठीक है, काम करने लगे ऐसे ये काम करेगा। मेरे को एक और चीज़ नोट करके देखनी थी यार, ये बंद कहाँ की तरफ को हो रहा है, कैसे बंद होगा, मेरे को ध्यान देना उसका। अच्छा ठीक है ठीक है, ये नीचे की तरफ को बंद होना चाहिए जो हमारा ट्रैप डोर है, और वैसे ही हो रहा है तो अच्छी बात है कि यार ये चलो इतना काम हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो ग्लास मेरे पास बचे हुए हैं ना, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्ड कर लेता हूँ अपने लिए, एरिया थोड़ा सा और ऊंचा बना लेता हूँ। बनेगा नहीं, इतना ही बनेगा। ओके, तो इतना मैंने एक एरिया बना लिया, और उसके ऊपर से हम इसको बंद नहीं कर सकते वरना जो हमारा फिश फार्म है वो काम नहीं करेगा। अभी मैंने इसको बंद कर रखा है, एक बार मेरे को पूरा करंट वगैरह सब कुछ देख लेता हूँ ध्यान से कि यार सब कुछ सही तरीके से। वैसे चलने तो लग गया, यहाँ पर हमारी हुक वगैरह लगी हुई है। इंचेंटमेंट देखता हूँ अगर कुछ खास, अगर मेरी वैसे मेरी थोड़ी एक्सपी और नहीं है, अगर कुछ इंचेंटमेंट मिलती है तो उसको बाद से मैं देखता हूँ, वरना फिर हमारा जैसा भी होगा काम। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ मेंडिंग शायद मैंने किसी से ली थी, उस बंदे से मेंडिंग लेके आता हूँ, उसके बाद से हम लोग अपना जो बाकी बचा हुआ है। एटलीस्ट मेंडिंग से क्या होगा ना कि यार यहाँ पे एक्सपी मिलती तो मेरी जो फिश रॉड है टूटेगी नहीं, तो वो मेरा एक बेनिफिट होगा। तो एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें और थोड़ा सा डिटेलिंग वगैरह पर देख लेते कि कुछ और कर सकता हूँ। तो यार फार्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको टेस्ट करना बाकी है। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर एक बार देखो अगर इसमें कुछ अच्छी इंचेंटमेंट मेरे को मिल रही है, देखते हैं कि क्या मिल रही। पहली मैंने एक बार टेस्ट तो कर लिया, बट फिर भी एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको। अगर कुछ ढंग की इंचेंटमेंट मिलती है तो काम बन जाएगा, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, या फिर जो भी मेरे को जो भी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी बहुत जल्दी मिल जाएंगी या फिर अच्छी मिलेंगी। तो देखते हैं कि क्या मिलता है। वैसे देखो जब भी ऐसा होता नहीं कि यार आपको जो इंचेंटमेंट चाहिए वो तो मिलती नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाए। अनब्रेकिंग मिल रही है, लेकिन यार अनब्रेकिंग तो फ़ायदा नहीं है ना। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं लिस्ट, स्माइट 2 मिल रही है इसमें। ठीक है, अब जाके देखता हूँ कि क्या मिल रहा है। ल्योर 2 मिल रहा है मेरे को। ओके, तो यार मेरे को 30 XP चाहिए तब जाके मेरे को ल्योर 2 मिलेगा। तो 30 XP करने में मुझे लगता है कि अभी और कुछ अगर ईजी तरीका हो सकता था तो बेटर था, बट देखता हूँ एक और चीज़ एक बार इसमें लगा के कि और क्या मिल रहा है। अगर कुछ और मिल जाता तो देखते हैं। अब तो वो भी नहीं मिल रहा है मेरे को लग रहा है। तो देखता हूँ अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अभी ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे। मेरे को बस टेस्ट करना है, बट मैं चाह रहा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे को मिले, ऐसा होने वाला तो नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार देख लेता हूँ। और अनब्रेकिंग 1 ये सब चीज़ें मिल रही है, बकवास। ओके, तो यार मैं जा रहा हूँ अभी अपने विलेजर से ट्रेड करने में ताकि शायद मेरे को मेंडिंग मिल जाए, क्योंकि मेंडिंग मैंने एक बंदे से ली थी। उस बंदे को ढूंढता हूँ क्योंकि मेरे पास लैक्ट्रेन भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो एक बार उससे मेंडिंग ले लेता हूँ। अगर कुछ और अच्छी इंचेंटमेंट किसी से मिल जाए ऐसी जो काम की हो, मतलब जो काम की है वो मिलती नहीं यार उस टाइम पे। तो देख रहा हूँ कि यार अगर कुछ अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, वरना तो फिर देखने की क्या होता है। बिना इंचेंटमेंट कहीं करूँगा, एटलीस्ट अनब्रेकिंग तो फिर लगा ही लूँगा अगर कुछ नहीं मिलता। तो ये लैक्टर है क्या? नहीं, ये नहीं है लैक्टर। लैक्टर मेरे सारे इधर पड़े रहते हैं मेरे पास। देख लेता हूँ किसी के पास कुछ दे रहा है कोई बंदा, तो फिर जो रिक्वायरमेंट होगी मतलब जिस चीज़ के बदले में दे रहा होगा वो चीज़ें मैं ले आऊँगा। मेरे लैक्टर किधर गए मेरे सारे? तो वैसे मेरे को पता है यार लैक्ट्रन से भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेड कर दी है, तो ऐसा कुछ खास चीज़ें वो देने वाला नहीं। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। मेंडिंग दे रहा है तो चलो मेंडिंग तो ले लेता हूँ, उसके अलावा फिर देखता हूँ कि क्या चीज़ देगा। चलो ठीक है, मेंडिंग ले लेता हूँ, मेरे को बुक्स वगैरह चाहिए, और उसके बाद मेंडिंग तो ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि और कुछ अगर मिलता है तो। कुछ मेरे पास यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी काम की कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अभी उसको चाहिए था ये चाहिए, उसके अलावा उसको बुक्स चाहिए, तो बुक्स भी मेरे पास शायद रखी हुई होंगी। हाँ बुक्स है मेरे पास, ठीक है उससे ट्रेड कर ले। और भी यार कुछ एमराल्ड तो काफ़ी सारे हैं मेरे पास। ठीक है, अभी वो बंदा गायब, बंदा गायब हो जाएगा। और थे यार मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाकी बंदे किधर गए मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इससे ये मेंडिंग तो ले ही लेते हैं, उसके अलावा इसको अगर बुक देते हैं, इससे एमराल्ड वगैरह लेते हैं, तो देखते हैं कि यार इसकी अगर ये अभी अपग्रेड होने वाला है।
तो अभी देखते हैं कि अपग्रेड होके शायद ये कुछ अच्छी मेरे को दे दे। और वैसे ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि यार आपको जो चाहिए ना वो सब चीज़ें दे दे, लॉर्ड 2-3 और कुछ चीज़ें दे दे बंदा। अच्छा इसने कुछ दे रहा, पावर 4 दे रहा है, पावर 4 भी काम की है बट अभी मेरे काम की नहीं। यार एक काम करता हूँ ना, इसको बुक्स देता हूँ मैं सारी, और इससे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि और क्या देता है इसको, अगर जर्नी मैन से मास्टर बन जाता है तो फिर क्या देता है मैं देखता हूँ। नहीं देगा यार ये, मेरे सारे एमराल्ड खत्म हो गए बट ये कुछ नहीं देगा। एक तरीका है अगर मैं अपनी एक्सपी बढ़ा लूं तो तब मैं इससे कर सकता हूं ट्रेड, क्योंकि मेरी एक्सपी हाँ अगर इसको ये नहीं लेगा क्या ये बंदा, एक सेकंड देखता हूं। तो अगर मैं अपनी एक्सपी बढ़ा लूं तो तब भी मेरे को मिल सकता है। लॉर्ड 2 तो मिल रहा है मेरे को, मैंने देख लिया था, पावर 4 मिल रहा है। इससे पहले बुक दे के इसको ये ले लेते हैं। ओके तो ये अभी एक्सपी इसका होने वाला है, शायद हो जाएगा ना। ओके तो ये अभी मास्टर बनने वाला है, मास्टर बनने के बाद देखता हूँ कि यार क्या इंचेंटमेंट ओपन करेगा, क्या इसकी ट्रेड ओपन होती है, देख लेते हैं। ओके तो इसने कुछ दे तो दिया, फेदर फॉलिंग 3 दे रहा है और पावर 4 दे रहा है, मेंडिंग यार उसके बाद कुछ खास, एक सेकंड मास्टर के बाद भी कुछ बनेगा, एक्सपर्ट बन रहा है अभी, मास्टर नहीं बना। तो एक काम करते हैं इससे बुक दे के इसको और ले लेते हैं एमरल्ड, ठीक है। अभी एमरल्ड नहीं ले सकते तो अभी ये ले लेते हैं, और ये भी ख़त्म हो चुका है। अभी इससे ले लेते हैं मैं पावर 4 ले लेता हूँ एक, और उसके अलावा मेंडिंग एक और ले लेते हैं, मेंडिंग काम की चीज़ है ना, तो मेंडिंग अभी मेंडिंग भी नहीं ले सकता, ग्लास ले सकता हूँ इससे। ओके तो अब जाके एक्सपर्ट बनने वाला है, ठीक है। एक्सपर्ट बन जाएगा तो उसके बाद से देखता हूँ कि क्या देगा ये बंदा, इसको देख ही रहना इसको। ओके तो इसने कुछ और ट्रेड ओपन कर दी, लेकिन यार एक्सपर्ट बन, मास्टर बन चुका है, फायर प्रोटेक्शन, मेंडिंग, पावर 4, फेदर फॉलिंग 3, कुछ खास चीज़ें दे नहीं रहा यार। तो एक काम करते हैं, मेंडिंग रख लेते हैं एक अपने पास, पावर 4 भी रख लेते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें तो रख लेते हैं, इसे यहीं काम आएंगे। ओके तो एक्सपी मेरी 30 हो चुकी है, इसके मैंने इतना सारा वूल इनको बेच दिया, मतलब वाइट वाला, और अब तो इसने ट्रेड भी बंद कर दी। तो जितने भी बंदे थे मैंने इनको वूल वगैरह बेच के सारा, बहुत सारा वूल बेच के मेरे एक्सपी हो गई 30। अब जाके मैं जितना बचा हुआ है वूल रख देता हूँ। ये लोग आयरन भी लेते हैं, तो मैंने चाहे आयरन तो मेरे पास बहुत सारा है, आयरन इनको देने की कोशिश की, बट थोड़ी सी मैं मतलब 4-5 एमराल्ड दे रहे थे, उसके बाद से आयरन का ट्रेड बंद कर देते थे। लेकिन वूल मैंने 3 थे मेरे पास वो बंदे, और उनको मैंने ग्रे वूल और वाइट कलर का वूल और ब्लैक कलर का वूल इतना सारा सेल किया कि वो लोग मतलब पूरा भर गया उनका। एक्सपी मैंने थोड़ी सी अपने एक्सपी फार्म से बढ़ाई, और थोड़ा सा जो फिश फार्म है वहाँ से भी बढ़ाई, और बाकी ट्रेड मैंने बहुत सारी करी। अभी मेरे पास 51 एमराल्ड से ट्रेड करके, बाकी इससे पहले भी मेरे को मिले थे उनके, उससे मैंने दोबारा चीज़ें खरीद ली थी कुछ और चीज़ें। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि यार क्या मतलब, लॉर्ड 2 तो मेरे को मिल रहा था शायद, वो काम की चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। तो चलो ठीक है उसको लगाते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ और मिल जाए ना, बस वही चीज़ मिला, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, मेंडिंग लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको रख लेते हैं अभी यहाँ पे, नहीं ये चाहिए होगा, नहीं ये नहीं चाहिए होगा, मेंडिंग है तो मेंडिंग भी लगा लेता हूँ। तो मेंडिंग से क्या होगा कि यार ये मेरी रॉड टूटेगी नहीं। अभी ये जो चीज़ें बची हुई हैं इनको रख लेते हैं यहाँ पे, और बाकी ऐसी चीज़ें ये ब्लैक वूल में लेके आ गए, यहाँ पे ब्लैक वूल सेल करने के चक्कर में यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को अभी रखनी है, तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने फार्म में, और मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे एक एरिया बना ताकि मैं रात के टाइम पे भी, क्योंकि अगर AFK के लिए मैं उसको छोड़ूंगा तो मैं रात के टाइम भी आराम से सेफ रह सकूँ, कोई मेरे को मारे नहीं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक एरिया बनाना है ताकि अंदर कोई ना आए, अंदर ना आने के लिए फेंस लगा सकता हूँ, बट स्केलेटन का डर है क्योंकि स्केलेटन आता है तो यार वो मारेगा, तो उससे भी मेरे को बचना है, उसके लिए भी मेरे को कुछ करना है। तो अभी पहले जाके एक बार सो जाते हैं, और बीच में पता नहीं क्या हुआ मेरी गेम भी हैंग हुई, मैं एकदम से ट्रेड करते करते पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे को बंद करनी पड़ी, और मेरे को लगा था कि शायद सब कुछ गया, मतलब मेरे को दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली सारा कुछ मतलब सही से चल गया था बंद करने के बाद से। और अभी दोबारा से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर सारा कुछ खो चुका है, मेरे को एक फार्म फेंस वगैरह लगाने। तो एक काम मैंने सोचा था कि मैं मेरे पास ब्लैक स्टोन था ना, ब्लैक स्टोन और ये वाला, इन दोनों को रखता हूँ, और ठीक है इससे कुछ मैं बनाने का ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा एक सेकेंड, इसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं सैंड स्टोन लेके आया था ना, मैं इससे वॉल बनाता हूँ एक, जितनी भी सैंड स्टोन है सारा एक वॉल बनाता हूँ, तो वो मैं वॉल बनाता हूँ इसके चारों तरफ, उससे ना बहुत सही लगेगा वॉल दिखने में, मतलब फैंस है तो ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे को लगता है। एक एक छोड़ के मैं वॉल बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लग जाएगा एक गेट जो मैं लेके आया हूँ, ये हमारा गेट लग जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा फिर से सैंड स्टोन लगाना स्टार्ट करते हैं,
तो ऐसा कुछ मैं एक वॉल सोच रहा था और ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक स्टोन मेरे पास, पहले मेरा प्लान था कि ब्लैक स्टोन और जो क्वार्ट्ज है उनसे कुछ करूँ, बट फिर मेरे को पता चला कि यार ब्लैक स्टोन तो मेरे पास कम है, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा और ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा क्वार्ट्ज और उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा इसका गेट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ गेट सा इसका बना लेंगे अपने जाने के लिए, जगह हो जाए बस और कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये मेरे को करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना है और बाकी हमारा बन चुका है। अभी मेरे को थोड़ा सा ये पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मुझे लगाना है फिर से, यहाँ पे लगाना है ब्लैक और यहाँ पे आएगा वॉल फिर वाइट। तो इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ये जब बन जाएगा ना बहुत प्यारा लगने वाला है, तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ओके यार, ये पूरा रेडी हो चुका है। अब जाके मेरे को यहाँ पे एक एक चारों तरफ में सोच रहा हूँ लैंटर्न रख दूँ बस चार कॉर्नर में, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके अलावा जो जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी डर्ट कम लग रही है, मतलब कहीं कहीं पे ना डर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो मैं डर्ट रख देता हूँ। और उसके अलावा पूरा फार्म हमारा कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पर भी एक टॉर्च मैं सोच रहा था कि लगाऊँ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि लगाने लायक हो, तो इन मैं तो लगा नहीं सकता। तो एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके अलावा मैं लगा लेता हूँ एक यहाँ पे। तो ये हमारा टॉर्च यहाँ पर लग गए और उसके अलावा फिर वैसे यहाँ पर लगाने की जरूरत थी, बट कोई नहीं। ठीक है, एक यहाँ पर कॉर्नर पर लगा देते हैं और उसके अलावा थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर डर्ट लगानी, क्योंकि डर्ट कम है यहाँ पर, तो उसकी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा। तो ये वाला मैं इसको फिल कर लेता हूँ, जो भी मेरे पास डर्ट बची हुई है थोड़ी सी मैं डर्ट लेके आ गया हूँ, और इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ये एरिया। और उसके बाद से बस जो मेन काम आता है वो है टेस्ट करने की बारी, कि यार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा फार्म कैसा काम करेगा। अभी तक मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही तो है, मतलब सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, आवाज़ भी आ रही है, बट देखने कि यार काम कैसा करता है, तो वो मेरे को चीज़ देखने वाली है। और बाकी सारा कुछ हो चुका है, ये हमारा फार्म है, दिखने में बहुत प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर लैंटर्न वगैरह लगा दिया, इसको भी तोड़ देते हैं। ओके, तो ये पूरा फार्म हमारा हो चुका है। देखो ज़्यादा कुछ इसको बना नहीं सकते, मैं वॉल को और ऊंची बना सकता हूँ, बट यार मैं चाहता हूँ कि दिखे। और बाकी मेरे को ढकना नहीं है, मतलब ये मैं ढक नहीं सकता, तो इसको मेरे को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेरे को कुछ बनाना पड़ेगा क्या ऊपर जाने के लिए? मुझे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा यार, मेरे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि मेरे को यहाँ पर चढ़ना है, तो मेरे को उसका भी ध्यान रखना होगा कि मैं आराम से चढ़ पाऊँ। ओके, तो जहाँ पर चढ़ तो सकता हूँ मैं, वैसे यहाँ से मेरे को कोई मारेगा ना, एक काम करते हैं वॉल थोड़ी सी ऊंची बना लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये देखो, मतलब मेरा ये इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है कि जहाँ पर तोड़ना ना भी वो टूट जाता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और इसको लगा लेते हैं वॉल, और वॉल में बाकी लाया नहीं, तो इसको मैं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सेफ रहेगा, बाकी फिर मैं अंदर जाके लगा दूंगा, अभी के लिए ठीक है इतना। ठीक है, बाकी इसको बाद में और बढ़ा देते हैं, अभी हो चुका है। तो यार एक काम करते हैं, हम लोग चले जाते हैं अंदर अपना, और ये क्योंकि आ ही गए हैं तो अभी एक काम करते हैं, अंदर जाके इसको बंद कर लेते ताकि यहाँ से मुझे कोई मारे ना, और आगे से भी बंद है, मुझे लगता है कि यार कोई मारेगा मेरे को, तो एक काम करना है मुझे अपना, निकालते हैं ये वाला और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेता हूँ, ताकि अगर कुछ पिक होता है तो मेरे को यहाँ पर भी दिख जाएगा। और बाकी एक काम करना है, यहाँ पर मेरे को ये वाला लीवर ऑन करना था, बट यहाँ पर भी एक सेकेंड थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखना होगा, मेरे को ये ऑन करना है यहाँ से लीवर, और ये कैसे ऑन करूँगा एक सेकेंड। ओके, तो ये मुझे ऑन करना था, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, अब जाके हमारा फॉर्म काम करेगा, मुझे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का। ओके, तो अब जाके मुझे एक बार इसमें क्लिक करना है, मतलब सब कुछ हो चुका है, मैंने अपने आप को कवर कर लिया ताकि मेरे को पीछे से कोई ना मारे। और अभी ये वॉल में थोड़ा सा और ऊंचा करूंगा, क्योंकि यार रात में के लिए सेफ नहीं है यहाँ। अच्छी बात है यार, यहाँ नदी है तो यहाँ से कोई मेरे को मारेगा नहीं, बस यहाँ से एक क्रीपर वगैरह आ रहे हैं और कुछ करे ना। तो अभी मुझे एक बार इसमें क्लिक करना है, उसके बाद से मुझे यहाँ पर क्लिक करके जाना है और F3 और T दबा देने, तो हमारी विंडो जो माइनक्राफ्ट है रीलोड होगी। उसके बाद से मुझे कुछ नहीं करना, मैं हाथ छोड़ दूंगा अपने, ये तब भी चलेगा, तो ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये अभी चल रहा है और देखते हैं कि थोड़ी देर में अगर कुछ मिलता है तो वेट करना पड़ेगा। मेन चीज़ है कि मेरे को बहुत देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से तब जाके काम करता है। अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हाथ छोड़े हुए काम कर रहा है, तो आपको F3+T दबाना है तब जाके ये विंडो रीलोड होकर आ जाएगी। ये चीज़ मैं आज टेस्ट कर रहा था अपने जो हमारा स्टोन वाला फार्म बना है मैंने, ऑटोमेटिक स्टोन जनरेटर, क्योंकि मैं सोचा था यार मैंने ऑटोमेटिक इसको सेमी ऑटोमेटिक बना दिया, अगर मैं इसको बड़ा बनाता ऑटोमेटिक बनाता फुली तो शायद मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरा बहुत सारा स्टोन इकट्ठा हो जाता। बट मैंने देखा कि यार ये ट्रिक उसमें करके बहुत ज़्यादा स्टोन में इकट्ठा कर पा रहा हूँ, मेरे को ऑटोमेटिक ही हो सकता है, पूरा ऑटोमेटिक बन जा रहा। तो अभी रात भी हुई है और यहाँ पे क्रीपर वगैरह आ रहे हैं, मेरे को बस इसमें ध्यान रखना है, देखते कि यार ये काम करता है या फिर क्या चलता है। अभी तो खैर माइंडिंग लगी हुई, इसमें XP वगैरह मिलेगी, तो मेरे को थोड़ी देर
लगेगा इसको टेस्ट करने में थोड़ी देर, देख के इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ओके तो यार फाइनली हमारा जो फिश फार्म था, बहुत देर के लिए मैंने इसको छोड़ा था, मतलब 15-20 मिनट ही, मतलब बहुत देर से मिलने, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि वीडियो ख़त्म करनी है, तो तब मैं ज़्यादा वेट कर नहीं पाया। वैसे अगर आप इसको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ो तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मेरे को, मैं एक बार इसको बंद करता हूँ पहले, तो अभी मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। चेस्ट में तो मेरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं, आपको पता होगा कि यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जो कि एक हॉपर है, और जो भी आइटम्स वहाँ से आ रहे हैं डायरेक्ट हॉपर में जाने के बजाय मेरे पास आ जाने, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री खाली है। मेरी इन्वेंट्री जब भरी रहेगी, मेरा जो हॉट बार फुल रहेगा, इन्वेंट्री भी फुल रहेगी, तब वो चीज़ें यहाँ पर चली जाएंगी चेस्ट में। और ये भी सही है, मतलब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ूंगा तो मेरी इन्वेंट्री भी भर जाएगी, चेस्ट भी शायद भर जाए। अभी के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें आई नहीं यहाँ पर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ये सब चीज़ें हैं शायद इसमें। एक हाँ अच्छा, 14 फिश ये भी है। ओके तो 14 फिश ये हैं, और उसके अलावा ये अलग अलग टाइप की फिश है। बाकी एक मेरे को फिशिंग रॉड मिली है, और पानी में एक वाटर बॉटल मिली है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यही सब चीज़ें मेरे को मिली है अपनी इन्वेंट्री से, मतलब आज की जो फिशिंग करी मैंने 20 मिनट की। और अच्छी बात है कि देखो, नॉर्मली हम लोग फिशिंग करते तो बहुत टाइम लगता है हमको, मैनुअली करना तो बहुत मुश्किल है। इतनी देर में मुझे लगता है कि वो वाला फार्म भी जो मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे तरीके का, बाहर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला फार्म, वो भी ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मैंने यहाँ पे एक्सपी बढ़ाने के लिए थोड़ी देर काम किया था, तो ये भी अच्छे से काम कर रहा था, मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे भी आ गई थी, तो ये भी ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बस यही चीज़ है कि यार इसमें चांसेस यही है कि मेरे को इतनी फिश, सिर्फ फिश मिलेगी यहाँ पे, मेरे को बाकी और लूट भी मिलेगी जो कि अभी नहीं मिली। बट अगर मैं इसको थोड़ी देर और रन करूँगा, थोड़े टाइम के लिए और छोड़ दूंगा, तो तब जाके शायद मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मिलने के। और ये जो वॉल है बहुत प्यारी लग रही, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं और बड़ा बना के इसको बाहर से पूरा स्ट्रक्चर ढक दूँ, क्योंकि ये ना चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मतलब देखने में ना पूरा रेडस्टोन वाली जो चीज़ें हैं, पूरा जो इसका जो मशीन बनी हुई है वो अच्छा नहीं लग रहा अगर ये ढक जाएगा। ऊपर से छत नहीं बना सकता, क्योंकि छत बनाऊंगा तो फिशिंग वाला अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो नहीं बना के, बट मैं वॉल ऐसी बना सकता हूँ। और ये वॉल का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें देखूंगा और कुछ कर सकता हूँ तो इसको मैं बाद में करूंगा, बट अभी के लिए यही है। और यही सब मेरे को चीज़ें मिली जो भी आप इन मेरी हॉट बार में देख रहे होंगे, बट अगर मैं और ज़्यादा टाइम के लिए इसको करूंगा तो शायद इसमें से बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी जो कि रेयर होती हैं, कुछ चीज़ें रेयर होती है, मतलब जो नॉर्मली नहीं मिलते। आपको इंचेंटमेंट मिल सकती है और नॉटो शेल्स वगैरह मिल सकती है, मेरे पास थोड़े बहुत हैं, बट अगर वो और मिलेंगे मैं इसको छोड़ूंगा बाद में, अभी तो क्योंकि वीडियो ख़त्म करनी थी और वेट नहीं हो रहा था। बट इसको कभी आप रात भर की छोड़ सकते हो तो यार सुबह तक देखो आप, चेस्ट आपकी भरी पड़ी बिल्कुल, चेस्ट से बह रही है चीज़ें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।